मेरा नाम द्वारगर है, मैं मेरी अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्जी से आई थी। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ लाहौर में मेरी अहमद से निकाह किया था। मुझे मेरे मुल्क का कानून, आईन और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं अपनी मर्जी से जिससे शादी करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैंने कोर्ट में 164 के बयान भी रिकॉर्ड करवाए थे अपने शौहर के हक में। इसके बाद भी सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस हमें हरास कर रही है, हमें तंग कर रही है, परेशान कर रही है, हमें गैरकानूनी तरीके से ढूंढ रही है। सिंध पुलिस हमें गैरकानूनी तरीके से किडनैप करके कराची लेकर जाना चाहती है, जहाँ हमारी जान को खतरा है। मैं कराची नहीं जाऊँगी। अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस और मेरे माँ बाप होंगे। हमें तंग करना छोड़ दिया जाए, हमें ना जलील किया जाए और हमें सुकून की ज़िंदगी हमारी जीने दी जाए। मैं यहाँ अपने शौहर के साथ जाऊँ में बहुत खुश हूँ। हमें तंग ना किया जाए। मैं घर से निकलने से पहले अपने वालदैन के लिए एक लेटर घर में लिख कर आई थी कि मैं क्यों जा रही हूँ, जिसका उनको शुरू दिन से पता था। उसके बाद भी वो शुरू से झूठ बोल रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो ये कह रहे हैं कि गैंग है, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये सब इंटरनेट पर बोल रहे हैं, सब झूठ है। मेरे ससुराल वाले इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे हैं। मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे और शरीफ लोग हैं। अगर ये कोई गैंग होती है तो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, तो उनके नहीं हैं।